रीट एग्जाम के लिए जिला प्रशासन उदयपुर द्वारा परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन के लिए उदयपुर में 5 अस्थायी रीट बस स्टैंड बनाए हैं और इन सारे बस स्टैंड पर रीट हेल्प डेस्क भी लगाई है। आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ी बस स्टैंड जिसको चेतक सर्किल बोलते हैं उसका टेम्परेरी बस स्टैंड है, इसमें हमने सारी सूचनाएँ डाली हुई है। आप देखेंगे कि बच्चे कैसे कहाँ से कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, ये सारी सूचनाएँ इसमें डाली हुई है। और ये सूचना भी डाल रखी है कि भोजन व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं के लिए कहाँ कहाँ कौन कौन जो है क्या व्यवस्था हमने कर रखी है, सब डिविजन वाइज ये सारी व्यवस्थाएं भी हमने यहाँ डाल रखी है ताकि बच्चे आराम से ये जानकारी ले सकते हैं और अपने रहने और खाने की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। बस स्टैंड पर कुछ बच्चे हैं जो आगे की यात्रा कर रहे हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। क्या नाम भाई आपका? सोहन लाल सर। सोहन लाल, कहाँ से आए हो? बांसवाड़ा से। अच्छा, आप सेंटर कहाँ आपका आगे? गोकुंडा। गोकुंडा जा रहे हो? जसवंतगढ़ है गोकुंडा। अच्छा, आपका? मेरा गोकुंडा जसवंतगढ़। आए कहाँ से हो? बांसवाड़ा से। आप? जी मैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से आए हो। आपका सेंटर? गोकुंडा आया सर। गोकुंडा आया। आप? मेरा सर सोजत पाली आया। सोजत पाली आया। और कहाँ के हो? यहाँ कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से। इधर क्यों आए? कुंभलगढ़ से तो सोजत सीधे निकल जाते हैं। मैं यहीं पढ़ता हूँ। यहीं पढ़ते हो? आपका कहाँ है भैया? सिरोही। सिरोही आए हो। कहाँ से आए हो आप? पीछे उदयपुर के ही हो। ये सब लोग जो हैं अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। ये लोग बसें उपलब्ध कराई गई है राज्य सरकार के निर्देश से, निःशुल्क यात्रा इनको कराई जा रही है। कैसा लग रहा है आपको निःशुल्क यात्रा? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब कोई पैसा नहीं लग रहा, आराम से आप जा रहे हो। पीछे से आप आए हो? बांसवाड़ा से आए हो आप? बांसवाड़ा से यहाँ तक कैसे पहुँचे? रोडवेज बस से आए हो। अब आगे की यात्रा आप यहाँ की बस से करोगे? आप? मैं भी बांसवाड़ा से आया हूँ। अच्छा, क्या क्या कहेंगे इस निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था के लिए? मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र होंगे सर हमारे तरफ से। अच्छा अच्छा, जो बेरोजगारों को जो निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए बधाई के पात्र ये सर हमेशा रहेगी या फिर अभी एक बार मतलब यही है? आप तो परीक्षा देने जा रहे हो, आपको पता होगा कि ऑनरेबल CM साहब ने ये घोषणा करी हुई है कि जितनी भी परीक्षाएं होगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उन सारी परीक्षाओं में परीक्षार्थी फ्री जाएंगे। आने वाले सारी परीक्षाओं में फ्री होगा। लाइफ में पहली बार हो रहा है ये। पहली बार हो रहा है? पहली बार हो रहा है। अच्छा अच्छा, इतनी बढ़िया व्यवस्था, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के हम शुक्रगुजार है और प्रशासन के भी शुक्रगुजार है। अच्छा अच्छा, तुम्हारा क्या नाम बेटा? प्रियंका कुमारी। कहाँ से आए बेटा? सराड़ा से। सराड़ा से यहाँ तक कैसे आए? निःशुल्क रोडवेज की बस से? अच्छा, अब यहाँ से आगे सेंटर कौन सा आपका? पाली जा रहे हो? सोजत जा रहे हो। तो ये बस जा रही है, फ्री ले जा रही है आपको, कोई असुविधा दिक्कत तो नहीं हो रही है? कैसा लग रहा है फ्री यात्रा करके? अच्छा है ना ये? चलो अच्छी बात है। चलो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। धन्यवाद।